मिनट की निकलो, निकल भाई, निकल 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 भाई, निकल तक छोड़ना आएगा भाई, भाई कुछ नहीं बताता भाई, आ गए छोटा बच्चा आ गया भाई पापा बेटा कभी बाहर नहीं बनी। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ रहा है भाई, मुंह चुपान दे यार, हट जा तू भाई, मुंह के चुपा रही है। जब तक 10 के नहीं होंगे ना गाइस, मैं इसको चिपका के रखूंगा अपनी खाल के साथ। देखो इन्होंने कितना तगड़ा दिमाग लगाया है अपना, पता है क्या कह रहे हैं आप, सोच नहीं सकते क्या कहा इन्होंने। अब यहां मम्मी की तरह ना पेल दूंगा मैं, हट जा भाई, ऐसी भी थोड़ा दिक्कत हो गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं पीयूष के घर से। एक्चुअली सुबह सुबह मुझे पीयूष का कॉल आया था, इसकी मम्मी की थोड़ी चोट लगी थी। थोड़ी नहीं भाई, थोड़ा मतलब पैर हो गया। एक्सरे करवाने लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, मतलब देखते हैं कैसा रहता है, पर थोड़े सूजन तो इनके पैरों में है। और अभी मैं आता हूँ करा के, क्या रुमाल, ये रुमाल देता हूँ, चलो चलते हैं फिर। अभी एक्सरे करवा दिए और अभी वो लेने गए अंदर, एक्सरे रिपोर्ट जो होती है फिल्म उसकी। बाकी पैर में अब दर्द तो कम ही है। हॉस्पिटल से होके हम आ गए, एक्सरे करवा लिया, डॉक्टर ने बोला है कि प्लास्टर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। सीनियर डॉक्टर ने मतलब ने बात करी, प्लास्टर नहीं चढ़ेगा। बाकी जूनियर डॉक्टर को गलत फहमी हो गई थी, तो वो ले जा रहा था प्लास्टर चढ़ाने के लिए, बड़ी मुश्किल से बचे हैं, नहीं तो आज चढ़ जाता प्लास्टर फ्री फंड में। बाकी अब पैर में दर्द थोड़ा ठीक है, उन्होंने दवाइयाँ थोड़ी सी लिख दी हैं और सिकाई बोली है, घर जाते हैं। और अब थोड़ा केयर तो करना पड़ेगा, बेड रेस्ट है 3-4 दिनों का। देखो पैर का ये हाल है, ठीक है, खड़े हो रहे हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा अभी। फ्रैक्चर तो नहीं है। जूनियर डॉक्टर मेरे को कहता है कि आ जाओ, मैंने कहा कहाँ, कह रहा प्लास्टर चढ़ेगा, अभी तो वो बोल रहे हैं डॉक्टर की प्लास्टर नहीं चढ़ना। छोड़ के और अभी मैं जा रहा हूँ हरजस के पास, उसके बाद मुझे गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो गाड़ी में जब मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ ना, तो ये काफी तेज तेज चल रहा है, ये साइन होता है कि गाड़ी में ना इंजन में कुछ दिक्कत है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार इसे ना चेक करा के आ जाओ, मैंने सर्विस सेंटर से बात करी है, वो कह रहे हैं अभी आ जाओ और आके चेक करा लो। दूसरा प्रोग्राम भी था कहीं और काम से आया था, वो काम तो मेरा कैंसिल हो गया, बट कोई नहीं, इस काम को पूरा करते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि गाड़ी अगर ठीक रहेगी तभी तो काम करेंगे, अगर गाड़ी ठीक ही नहीं होगी तो फिर फायदा क्या गाड़ी। गाइस मैं गया था सर्विस सेंटर में, उन्होंने बोला कि ना गाड़ी बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्या हुआ वहाँ जाकर ना गाड़ी अपने आप चलने लग गई और इंडिकेटर भी ठीक हो गया अपने आप। अब मैं लेके आया हूँ, ओके वर्क कर रही है। और अभी मैं घर पे आया, मैं खा रहा हूँ लंच, आज लंच हो गया बहुत लेट, लंच करते हैं उसके बाद जाते हैं पीयूष के पास। चाची का हालचाल लेके आते हैं, उनके पैरों ठीक है या नहीं, मिलते आते दोबारा से, उसके बाद जाएं गुरुद्वारे, फिर मिलते आपसे दोबारा। गाइस इसकी एक फ्रेंड का बर्थडे और गिफ्ट लेके आई, गिफ्ट में क्या लाई है, यूनिकॉर्न डायरी और एक पेन लाई है। वाह चल जल्दी तैयार हो जाए, फिर गुरुद्वारे में सेवा हो रही है, कल है बैसाखी, इसी के उपलक्ष्य में गुरुद्वारे में सेवा है। समय जीप बाहर निकली रहती है, इसमें अभी डालेंगे हम ब्रासो, साफ करेंगे अभी इसे, उसको देखो और देखो कैसा हो जाएगा, ऐसा था वैसा हो गया, लगाते ही साफ, देखो कितना डिफरेंस आ गया, पहले कैसा कलर था और अब देखो बिल्कुल शाइनिंग हो रही है इसके अंदर। गाइस बर्फ की सिकाई करने को कहा था डॉक्टर, गाइस ये खून नहीं है, ये ना हुआ चूना, इसलिए लाया था चूना रगड़ता मैं, हल्दी है गाइस, हल्दी है, सॉरी जब तू हल्दी मुंह पे लगाता है पैरों में लग रही है, मत लगाया कर। देखो इन्होंने कितना तगड़ा दिमाग लगाया है अपना, पता है क्या कह रहे हैं आप, सोच नहीं सकते क्या कहा इन्होंने। अब यहाँ मम्मी की जल की सिकाई चल रही है, बर्फ की सिकाई अभी, और पता है क्या कह रहे भाई साहब, कह रहे कि पंखा बंद कर दो,
पता होगा यार मैं क्या, मेरे तो मुंह से शब्द ही मैं बताऊं रुक जा पक्का चलने से बड़ा जल्दी पिघल यूज ये स्पंजबॉब के निकल कब तक पहनेगा ओ भाई ये तो चलती रहेगी जब तक 10 के नहीं होंगे ना गाइस मैं इसको चिपका के रखूंगा अपनी खाल के साथ और बताओ हम इतने डेडिकेटेड हैं YouTube के लिए इसमें ले मैगी बना के लाया मक्खन डाल के ज्यादा ताकि मोटा हो जाऊं असली पंजाबी हैं पंजाबी दिल तो खिलांदे किसी बंदे नु असली ये फॉर्मेलिटी नहीं करते वो ये क्या रहा भाई तेरा हां भाई भाई दाना हो गया इसका सब दिन भाई मुंह के चुपा रहा है मैं मुंह चुपान दे यार हट जा तू भाई मुंह के चुपा रहा है बड़ा तड़पा रहा है ऐसे काम करेगा तो मुंह चुपाने पड़ेगा टॉर्चर कर रहा है बहुत ऐसे काम करेगा तो मुंह चुपाने पड़ेगा मुंह दिखा क्या हुआ क्या हुआ भाई पकड़ो 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 इसे भाई इस बाइक को क्या हो गया भाई तू कहां गया था भाई ये टंकी लेके दे दोबारा हम तीनों आ गए गोलगप्पे खाने यो 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 जनानी जनानी को दोबारा ले आया मैं मार लेना स्पेशली खुला दोबारा बनाएंगे अब ये अच्छे अच्छे लोगों की पहचान पहचानी होती है कितने अच्छे भैया हमारे इनके पास आया करिए आप भाई तेरे को पैसे भी देते हैं भाई पैसे वाले हैं भैया जबरदस्ती भैया लोग भैया रुकवा दिए भैया फिर अभी तो भाई के हाथ जोड़े हैं यार अरे ना नहीं जबरदस्ती प्याज फेंक दिए थे जबरदस्ती लोग भैया पता मैं तुमने बोला ना पुलिस का मैंने कहा भाई गरीब इंसान है अच्छा नहीं क्या कर रहा है जबरदस्ती में खा लो यार अब खा लो मना वो हमारे पास फिर आधे घंटे बाद डाल दिया मैंने भैया ने मान लिया गोलगप्पे बनाए एक लड़का भी लड़ने आया था कह रहा भाई हम पैसे देते क्या आपको आप हमें नहीं खिला रहे हैं नहीं खिला रहे हैं फिर हमने बताया हम बहुत बड़े ब्लॉगर्स हैं ना फाइनली जनानी को गोलगप्पा मिल गया पापड़ी खाया पुलिस के ध्यान मत दे ज्यादा निकल चुके हैं गुरुद्वारे के एक बजने वाले गाइस हम पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली में मतलब ये दिल्ली का हार्ट है लाइफ लाइन है दिल्ली की रात के 1:30 बज रहे हैं इतना जाम भाई टाइम देखो क्या हो रहा है 1900 ट्रैफिक इस रोड पे हमेशा ट्रैफिक रहता है बिकॉज यहाँ पे अब ट्रक्स निकलने शुरू हो गए हैं हमने लिया शॉर्टकट ऑटो वाले भैया को देख के हम पहुँच चुके गुरुद्वारे के बाहर हम चलेंगे अंदर अंदर से आ गए बाहर और काफ़ी मज़ा आया और मतलब ब्यूटीफुल नज़ारा था गुरुद्वारा साहिब जी का यहाँ पर भी होके आए और बहुत ट्रैफिक है आज काफ़ी रश है और इधर म्यूजियम भी आएगा इतनी घंट के निकल निकल भाई निकल 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 भाई निकल ठंडा आएगा भाई कुछ नहीं बताता भाई आ गए यहाँ पर आग लग गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने और ये बिजली की तार में आग लगी है रिक्शा नीचे खड़ा रिक्शा भी चल रहा है निकल चुके हैं वहाँ से घर की तरफ चलो ओके बाय ओके गाइस मैंने ना अभी माइक्रोवेव में बनाया था समोसा एयर फ्रायर में ये इसकी देन है देख लो अब ये दिखने में तो लग रहा है जला हुआ पर खाने में पता नहीं कैसा हुआ गाइस अंदर से तो बढ़िया बना हुआ है देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से खा के देखते हैं कैसा हुआ बहुत टेस्टी है खाने में मज़ा आ गया बहुत बढ़िया बना समोसा ऊपर से जरूर देखा जाना ब्लूपर्स में आपको बहुत मज़ा आने वाला है जस्ट इसके बाद में डालने वाला हूँ ब्लूपर्स को और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना पागल लेकर सब देख रहे हैं लोग बना रहे हैं रात के 4:15 और हमने ब्लॉग को कर लिया एडिट सुबह आपको ब्लॉग मिल जाएगा हमारे चैनल पे अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना हमारी नई नई ऐसी वीडियोस को देखने के लिए